पार्टी से न जोड़ा जाए। या संजीव सिंह जी हमारे पूर्व विधायक हैं अध्यक्ष महोदय, उनकी सजा में उनके एक ट्रायल चल रही है अध्यक्ष महोदय, सुनवाई चल रही है। लेकिन धनबाद जेल ने सुपरिटेंडेंट ने बोला कि आईजी के इशारे पर उनको दुमका सेंट्रल जेल ट्रांसफर कर दिया अध्यक्ष महोदय, जबकि हाईकोर्ट का आदेश था उनको धनबाद में रखने के लिए। वो लोग कोर्ट में गए अध्यक्ष महोदय, पच्चीस तारीख को कोर्ट ने आदेश दिया और लिखा है सीबीएसई कोर्ट ने कि द एक्शन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल धनबाद इज अनफेयर, अनबिट्ररी एंड कंट्रारी टू द शेड्यूल लीगल प्रिंसिपल लेड डाउन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट। बदले की गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय, या शासन के कार्य प्रणाली को दर्शाता है। उसके बावजूद आज तक उसे अपडेट नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय, और जिससे नितांत आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो क्या विचार है अध्यक्ष महोदय, उसे कब तक कराया जाएगा? माननीय मंत्री जी जेल में अभी तक का ही चल रहा है, और माननीय सदस्य का चर्चा है, अगर कोई आईजी अगर कर दिया जाता है वो जो जेल से जो अपना फोन से बात करते हो नहीं हो पाएगा, और ये विचाराधीन को नहीं है, इस पर कार्रवाई किया जा रहा है और बहुत जल्द इसको लगाया जाएगा। ठीक है लगाया जाएगा। मंत्री जी आपको आश्वासन दे दिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी आपराधिक घटनाएं जो है इधर बीच बढ़ गई हैं, इसको लेकर इसलिए इसको कब तक किया जाएगा, कोई समय सीमा होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो एक दशक से अध्यक्ष महोदय ये लंबित है। कोई समय सीमा माननीय मंत्री जी? सभी का किया जा रहा है, सभी जेल में इस तरह का बर्ताव जो है उसका खास कुछ नहीं मिला, लेकिन लोगों का कहना है कि वीडियो ठीक कर रहा है, बात कर रहे हैं, ये बात भी हम लोग को भी संज्ञान में आ रही है, लेकिन इसको कैसे करके दूर किया जाए इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और बहुत जल्द इसका करिए। बहुत जल्द। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।